तो आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉल है, देखो मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरे पास बॉल है, तो यहाँ पे एयर आ रही है, तो जो बाउंड्री ले रहा है इसके साथ चिपक के चलेगी यहाँ पे, और फिर आगे जाके ऐसे मूव कर जाएगी, फिर ये बाउंड्री लेयर यहां से आएगी और यहां से चिपक के आग से चली जाएगी। अब आगे जाके ये बिखर जाती है बाउंड्री लेयर, तो जो चिपक के चलना जरूरी होता है, देखो बाउंड्री लेयर का ये भी है कि ये जरूरी भी है। किस तरह से, अगर ऐसा सेपरेशन बन जाता है कि पीछे से जाके साइड हो जाती है वो लेयर, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि एडिज बननी शुरू होती है, यहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टर्बुलेंस बननी शुरू होती है, यहां पे टर्बुलेंस बनती है। इसलिए हमने क्या किया, जैसे बॉल है, गोल्फ की बॉल है, तो गोल्फ वाली बॉल में ये देखना कि हमने यहाँ पे होल, खड्डे, खड्डे कहना चाहिए, खड्डे बना दिए, तो ये खड्डे जो बनाए ना उसकी सरफेस पे, उसके कारण ये बाउंड्री लेयर इसके साथ चिपक के चिपक के चिपक के यहां से बाहर निकलती है, तो यहां से फिर से ये देखिए चिपक के बाहर निकलती है। तो इस चीज को कहते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो ये देखिए सेपरेट हो गया यहां पे, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है, तो यहां पे हो गया ये, और यहां पे हमने नहीं होने दिया, उसके कारण ये टर्बुलेंस जो क्रिएट हो रही थी वो यहां पे हो रही है, यहां पे नहीं हो रही है। तो हमारे पास इस चीज को समझ सकते हो आप ऐसे।